परहित वस जिनके मनमा। तिन कहूँ जग दुर्लभ कछुना। तुलसी बाबा से भक्तों ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, जगीद को न तो खान पान अच्छो, न रहन सहन अच्छो, न बोली भाषा अच्छी, न जाके जीवन में कोई सम जम नियम तितिक्षा, कोई भी साधन तो दिखाई नहीं देता, फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि जिसने अपने बाप की दाह संस्कार क्रिया अपने हाथों में न की और ऐसे परम ब्रह्म ने इस गीद अधम अति आमिष भोगी की दाह संस्कार क्रिया और अपने हाथों में और वह गति पाई, गीद देह तज धरे हरि रूपा। गीद देह तज धरे हरि रूपा, न तो खान पान शुद्ध है और न कोई भी अखंड ब्रह्मचारी है, न कोई भी महात्मा है, कोई भी तो साधन नहीं है। अरे तुलसी बाबा, आप रामायण लिख रहे हो, जाको कारण तो हमें बताओ, हमारी भी समझ में आ जाए। तब तुलसी बाबा ये जो बात कह रहे हैं कि परहित बस जिनके मनमाही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। त्रेता का एक बूढ़ा और एक द्वापुर का बूढ़ा। त्रेता का बूढ़ा जटायु और द्वापुर का बूढ़ा भीष्म, ये दोनों की एक छोटी सी बात कह रहा हूं। जो द्वापुर का बूढ़ा है ना, अखंड ब्रह्मचारी है। कौन? भीष्म। भगवान के अंशावतार परशुराम का शिष्य है। कौन? भीष्म। मां गंगा का पुत्र है। कौन? भीष्म, जो सारी दुनिया को तारती है, पवित्र करती है। मां गंगा का पुत्र है भीष्म। दिन और रात समाधि में रहता है और इतना बड़ा योद्धा है कि जिस परशुराम जी के सामने कोई न टिक पाया, वो परशुराम जिसके सामने न टिक पाए, ऐसा योद्धा है। कौन? भीष्म है। लेकिन भगवान ने उनकी दाह संस्कार क्रिया अपने हाथों से नहीं की। जटायु की धूर जटानसों झारी, लेकिन विन की धूर का उनके बाण लगे रहे। और मैं यहां तक कहूं कि बाण भी भगवान ने ही लगवाए। हाँ या ना बोलो? बाण भी भगवान ने ही, अर्जुन तो रो रहा था, मैं कैसे मारूं, लेकिन ताने दे दे करके भगवान ने कहा, मेरी गीता व्यर्थ चली जाएगी, तू इनमें संबंधी देख रहा है, हैं? इनमें संबंध देख रहा है। तब जाकर के एक में भगवान तात तात कहकर के, तात तात कहकर के, ये दोनों बूढ़े, ये दोनों का जमीन आसमान जैसा अंतर है। हर तरह से जटायु नीचे है, हर तरह से भीष्म ऊपर है, लेकिन जब गति की बात आई
जब भगवान के प्यार की बात आई तो हर तरह से जटायु ऊपर है और हर तरह से भीष्म नीचे है।